जय गुरु। आई एम पूजा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन योगता सत्संग महाविद्यालय। हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो क्लास आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑन द टॉपिक सेलेक्शन। सो पे अटेंशन टू दिस टॉपिक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन टुडेज़ क्लास आई विल बी कवरिंग द टॉपिक सेलेक्शन and its process, which is equally important from exam point of view. Selection, जिसे हिंदी में हम चयन कहते हैं, let's start. First of all, we will understand the meaning of selection. Selection is the process of choosing the best candidate from the pool of available candidates. Selection kya hai? Ek process hai best candidate ko choose karne ka tarika hai jitne bhi available candidate available hain unme se. ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, एक हीरा को तराशना, जितने भी अवेलेबल कैंडिडेट हैं उनमें से ही क्या है आपका, सिलेक्शन। क्लियर? सिलेक्शन ऑलवेज सक्सीड रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट के बाद हमेशा क्या आता है आपका, सिलेक्शन। बेसिक डिफरेंस क्या है आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में? रिक्रूटमेंट क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स फॉर दैट पर्टिकुलर वैकेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, खोज करने का तरीका है वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का, और उन्हें मोटिवेट करना कि वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करे। वेयर एज सिलेक्शन क्या है? It's a process of choosing the best candidate from the pool of available candidates. Selection एक process है best candidate को choose करने का, जितने भी available candidate हैं उनमें से। Recruitment आपका positive process है, क्योंकि एक particular post भी है तो उसमें large number of applicants apply करेंगे। लेकिन selection क्या है? Negative process, जितने भी लोग उसमें उस post के लिए apply किए हैं तो जो उस terms and conditions को meet कर रहे हैं, फुलफिल करे, उसे ही सिलेक्ट किया जाएगा। सो इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, रिक्रूटमेंट आपका हमेशा सिलेक्शन से पहले आता है, और सिलेक्शन हमेशा आपका रिक्रूटमेंट के बाद आता है। रिक्रूटमेंट में आपका किसी भी तरह कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, सर्चिंग प्रोसेस है। लेकिन सिलेक्शन क्या हो गया, फाइनल सिलेक्शन अपॉइंटमेंट, तो वहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है वो क्रिएट होता है। क्लियर? Okay, so let's proceed. Selection process. ना इसका चयन के क्या प्रक्रिया है? ठीक है, चयन प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। Steps involved in selection process are as follows. पहला है preliminary interview, जिसे हिंदी में हम प्रारंभिक साक्षात्कार के नाम से जानते हैं। Application form, आवेदन पत्र, selection test, चयन परीक्षाएं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू साक्षात्कार, मेडिकल एग्जामिनेशन स्वास्थ्य परीक्षण, रेफरेंस चेक संदर्भों की जांच। नेक्स्ट है आपका फाइनल सिलेक्शन यानी अंतिम चयन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर वन, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू यानी प्रारंभिक साक्षात्कार। नाम से ही मालूम हो रहा है, लेट्स सी। द पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज टू एलिमिनेट अनसुटेबल कैंडिडेट्स फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर इट इज वर्थ वाइल फॉर अ कैंडिडेट टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का बेसिक पर्पस क्या होता है?
ये जस्ट देखा जाता है कि कौन इस पोस्ट के लिए सही है, किसे चूज किया जा सकता है। तो इसमें बेसिकली जो है वो स्क्रीनिंग किया जाता है, जो भी अनक्वालिफाइड या अनडिजायरेबल कैंडिडेट है उसे फर्स्ट राउंड में ही जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है ये बहुत ही ब्रीफ होता है, बहुत शॉर्ट होता है। बेसिकली ये पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और आपका क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं, बेसिकली इसी को चेक किया जाता है। और ये जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव के थ्रू कैरी आउट होता है, या तो रिसेप्शन ऑफिस में या तो काउंटर पे ऑर्गेनाइजेशन का। और इसमें जो इंटरव्यूअर होते हैं ही शुड बी वेरी पोलाइट ना, और ताकि जो भी, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड और क्रिटिकल राउंड है, तो यहाँ पे जो अगर वो पोलाइट नेचर के होंगे तो जो नेक्स्ट इंटरव्यू ही है, कैंडिडेट है, वो अपना बेस्ट, अपना जो भी है इंट्रो वो अच्छे से दे पाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड कर्टियस इंटरव्यू, ठीक है, और स्टैंडिंग इंटरव्यू, क्लियर। फिर आपका बोलता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू helps to determine whether it is worthwhile for a candidate to fill up the application form. और preliminary interview होने के बाद ही ये help करता है ये determine करने में कि ये particular candidate आगे next round में जा सकता है, application form भर सकता है या नहीं, clear? Next. एप्लीकेशन ब्लैंक या एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे हिंदी में हम आवेदन पत्र कहते हैं, द फॉलोइंग डेटा इज जनरली कॉल्ड ऑन फ्रॉम द एप्लीकेंट थ्रू एप्लीकेशन ब्लैंक और एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो फर्स्ट लेवल को क्रॉस करके आए हैं, फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसमें कैंडिडेट्स को ये डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है, जैसे बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे आपका पर्सनल डेटा ही हो गया, एड्रेस, आइडेंटिफिकेशन, मार्क्स वगैरह, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, जो आपका रिलेटेड एजुकेशन मार्क्स, आपका 10, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर्स में कितना आपने स्कोर किया, वो सारे इंफॉर्मेशन को देना है। इफ़ यू हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। तो सारा डेटा है दैट्स यू हैव टू फिल, जो भी वो मांग रहा है। नेक्स्ट है आपका वर्क एक्सपीरियंस, कहीं आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो वो आप फिल कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये बहुत सारे बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जाता है कि व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली वो जज करता है एम्प्लॉय को। एक्स्ट्रा करिकुलर इन्फॉर्मेशन, आपका कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जैसे स्पोर्ट्स में NSS, NCC, ये सब अगर है तो वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल किया जाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन टेस्ट, यानी चयन परीक्षाएं। अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन। सिलेक्शन टेस्ट बेसिकली आपका या तो पेंसिल पेपर टेस्ट हो सकता है या जस्ट एक मेंटल एक्सरसाइज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में वो डिपेंड करता है। तो जो टेस्ट है वो क्या, एक प्रोसीजर है जिससे दो या दो से ज्यादा पर्सन्स के बिहेवियर को, उसके मेंटल एबिलिटी को, उसके नॉलेज स्किल्स को बेसिकली टेस्ट किया जाता है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट प्रेफर्ड है, कौन सही है, क्लियर। सिलेक्शन टेस्ट को अब हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, विच इज योर एबिलिटी टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, एबिलिटी टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। लेट्स सी, टेस्ट कवर्ड अंडर ईच कैटेगरी आर शोन बिलो। एबिलिटी टेस्ट का अब बहुत सारा सब टाइप से फोर है, वो क्या क्या है, नंबर वन एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है अचीवमेंट टेस्ट, तीसरा है इंटेलिजेंस टेस्ट,
और लास्ट है आपका जजमेंट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट का भी टाइप्स है, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसका जो टेस्ट का जो वेरियस आपका सब टाइप्स है उस पे डिटेल डिस्कशन हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आई एक्सप्लेन यू ऑन दैट स्लाइड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए आपका फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। मतलब जो अभी हम लोग ने टेस्ट पढ़ा वो, जैसे सपोज एग्जांपल एटीट्यूड टेस्ट, तो उससे हम क्या समझे, एटीट्यूड टेस्ट से क्या समझे, तो वो एक पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ आपका है इंटरव्यू, इंटरव्यू जो टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब जो कैंडिडेट आपका टेस्ट मतलब स्टेप थ्री को क्रॉस कर गए, अब वो आएंगे किस स्टेप पे, सिलेक्शन, ये आपका फोर्थ राउंड में वो आ जाएंगे, जिसे क्या है वो क्या कहते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू क्या है, इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है, ठीक है, किसके बीच में, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, ठीक है। अब इंटरव्यू जो लिया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो देखिए, वेरीफाइज द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेस्ट। ये बेसिकली इंटरव्यू क्या है, एक तरह का आपका क्रॉस चेक किया जाता है इंफॉर्मेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया है और जो आपने टेस्ट में दिया है, उसी को एक क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो जाता है। दूसरा है हेल्प्स टू ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट, और भी जो उसे पर्टिकुलर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए कैंडिडेट से वो इंटरव्यू के थ्रू वो ले सकते हैं, ठीक है। आपका पर्सनालिटी को, स्किल को, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वो सब सारा क्या इंटरव्यू के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, गिव्स द कैंडिडेट नेसेसरी फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंटरव्यू के मतलब इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के माध्यम से कैंडिडेट को नेसेसरी इंफॉर्मेशन, रूल्स रेगुलेशंस जो है कंपनी का वो कन्वे कर दिया जाता है। तो ये है इंटरव्यू और इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 5, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जो इंटरव्यू भी जो क्रॉस कर गया, अब उसका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। Applicants who have crossed the above stages are required to undergo medical examination, ठीक है, क्योंकि एक प्रोवर्ब भी है health is wealth, ठीक है। तो कोई भी organization में जाने से पहले medical certificate submit करना होता है कि yes, जो भी criteria है उसे वो fulfill कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स है, अगर वो ही फिट नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के नॉट रन। ओके, सो मेडिकल एग्जामिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट, और ये क्या डिटरमाइन करता है, इससे क्या मालूम होता है, इट डिटरमाइंस वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली फिट टू परफॉर्म द जॉब। एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो आता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सर्जन जो प्रोवाइड करता है, उससे ये मालूम हो जाता है कि कैंडिडेट जो है वो फिजिकली फिट है या नहीं वो पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। दूसरा, इट प्रिवेंट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम कॉन्टेजियस डिजीज, या कोई अगर ऐसे डिजीज से सफर कर रहे हैं तो फिर ये मालूम हो जाता है कि ये पर्सन जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 से अब आपका रेफरेंस चेक यानी संदर्भों की जांच। कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली क्रॉस द हर्डल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन देन रेफरेंस चेक इज डन। अब जो मेडिकल एग्जाम भी पास कर गए, अब क्या होता है, उनका रेफरेंस चेक होता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है उसी टाइम एक ऑप्शन होता है फॉर्म में जिसमें उन्हें रेफरेंस के फॉर्म में नाम देना होता है, जैसे वो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके स्कूल के कोई प्रिंसिपल हो सकते हैं, जिसे एक बैकग्राउंड चेक जो है वो किया जा सकता है,
ठीक है. एप्लीकेंट इज आस्क्ड टू मेंशन इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे अभी मैंने बताया, नेम एंड एड्रेस ऑफ टू और मोर पर्सन हु नो हिम वेल. इट इज बेसिकली द क्रॉस चेक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टू गैदर इंफॉर्मेशन. ठीक है. और फिर जो वो नाम प्रोवाइड करते हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में वो इन्फो दिया है उसे क्रॉस चेक किया जाता है, और उसके बेसिकली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या स्कूल प्रिंसिपल या जो भी वो प्रोवाइड किए उससे एक उसका एक ओवरऑल जो भी इंफॉर्मेशन उसे गैदर करना है वो उसे लेते हैं. तो इट्स जस्ट अ लीगल फॉर्मैलिटी, इट्स जस्ट अ फॉर्मैलिटी विच इज डन. नेक्स्ट, फाइनल सिलेक्शन. और लास्ट, आपका सारे हर्डल्स को क्रॉस करके अब उस एम्प्लॉय का फाइनल सिलेक्शन होता है, विच इज योर लास्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. अंतिम चयन है, ये प्रक्रिया है. फाइनली द कैंडिडेट हु क्रॉस ऑल द प्रीवियस लेवल्स आर फाइनली सिलेक्टेड एंड अ लेटर ऑफ जॉब ऑफर इज इशू टू देम. और जो सारे पड़ाव को क्रॉस करके आते हैं अब उनका क्या हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया और उन्हें जॉब अपॉइंटमेंट लेटर इशू कराया जाता है. या तो वो मेल के थ्रू हो सकता है या बाय स्पीड पोस्ट उन्हें मिलता है. अपॉइंटमेंट लेटर कंटेन्स द डिटेल्स लाइक पे स्केल, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द जॉब. तो अपॉइंटमेंट लेटर में आपका कितना पे स्केल होगा, इंक्रीमेंट कैसे होगा, आप कैसे छुट्टी ले सकते हैं, क्या आपको रूल फॉलो करना है ऑर्गेनाइजेशन में, अलाउंसेस क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से ड्यूटी को आपको अच्छी तरह से कंप्लाई करना है, तो ये सब सारा कंडीशंस जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा रहता है, विच एवरी कैंडिडेट मस्ट फॉलो, शुड फॉलो. तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट, सो स्टडी वेरी केयरफुली. थैंक यू. जय गुरु.